हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। पावरलूम सब्सिडी के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के भिवंडी के प्रेसिडेंट एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन ने अपनी टीम के साथ मुंबई जाकर टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख, एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत साहब से की खास मुलाकात, और उनका कहना है कि इस मुलाकात में उन्होंने सब्सिडी के मसले को खत्म किया। और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन साहब ने क्या कहा। देखिए, पिछले दो महीने से तकरीबन पूरे शहर में बहुत बेचैनी थी, पैनिक था, और सरकार की तरफ से जो सब्सिडी हमें सन 2000 से मिल रही थी, पिछले 20-22 साल से हमको जो सब्सिडी मिल रही थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कहीं ना कहीं से हो रही थी। मैंने इससे पहले अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा था मैंने कि अभी जो सब्सिडी होल्ड करने का जो मामला आया है इसका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एनर्जी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक है। और दरअसल बात ये हो रही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पैसा सब्सिडी का आना था वो एनर्जी डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा था, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा था, और इसकी वजह से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर कमर्शियल, उन्होंने इसको होल्ड किया सिर्फ फरवरी महीने का। अब उस पर जो है होल्ड करने, फरवरी महीने का होल्ड करने की वजह से बहुत जल्दबाजी में टोरेंट कंपनी ने एक मैसेज घुमा दिया कि भाई फरवरी महीने का जो होल्ड किया गया टिल फॉर द फर्दर ऑर्डर, और पूरी बिल उन्होंने 28 फरवरी को जो बिल निकलनी थी वो बिल उन्होंने ना निकालते हुए 1 मार्च का जो ऑर्डर था फरवरी महीने की सब्सिडी होल्ड करने का उसको डिले करके 11 मार्च को उन्होंने बड़ी हीवी बिल का ऑर्डर निकाल दिया विदाउट सब्सिडी के। इससे पूरे शहर में इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी और बेचैनी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हर कोई, क्योंकि ये हमारी पहुँच से बाहर है, ये लड़ाई जो है बहुत छोटे लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ से ये शुरुआत हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, सितंबर से हम लोग बराबर लगे हुए थे और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो मामला है ये किसी भी सूरत मुकम्मल होने के काबिल नहीं था। हम लोगों ने, हमारे कपड़ा मंत्री जो है, टेक्सटाइल मिनिस्टर को हमने कम से कम नहीं तो 8-10 मीटिंग हमारी हुई होगी, और हमने इस पर राज़ी किया कि ये नामुमकिन है रजिस्ट्रेशन। पहले उन्होंने बोला मैं ऑफलाइन कर देता हूँ, मैं इसको फॉर्म को आसान कर देता हूँ, लेकिन हमने उनको क्लियर बता दिया कि ये नामुमकिन चीज़ है। जो मालूमात आप मांग रहे हो वो मालूमात नाम से शुरू होता है, पहला कॉलम नाम का है। अभी आज भी भिवंडी में जो बुनियादी वीवर हैं, बुनकर हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे आज भी मेरे वालिद साहब के नाम का मीटर चल रहा है। इस तरह से पूरे भिवंडी में बहुत से लोगों का ऐसा है, फैमिली बढ़ती गई। हम लोग जो है, हम हैंडलूम से पावरलूम में आए हैं, हम लोग बोनाफाइड वीवर हैं, हम यहाँ पे ये कभी भी भरने काबिल नहीं है। कि मैंने पूछा कि मैं कौन सा नाम भरूँ इसमें, मेरा जो, मेरे वालिद साहब का मीटर है मैं उनका नाम भरूँ कि अपना भरूँ, तो ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का ऑफिसर बोलता है कि आप अपना भरो। मैं बोला मुझको मिलेगी सब्सिडी या चेंज हो जाएगा मेरा नाम, तो उसका जवाब नेगेटिव था। तो किसी तरह असलम शेख साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस बात को माना कि हम जो है 27 हाउस पावर के नीचे का मामला रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ख़त्म करते हैं, लेकिन 27 के ऊपर को वो किसी तरह ना खींच रहे थे। हालाँकि 27 के ऊपर और नीचे जितने भी लूम हैं कोई बड़े वीवर या बड़े कारखानेदार नहीं है, सिर्फ लूम का घाटा एडजस्ट करने के लिए वो किसी ने टीएफओ लगा दिया, किसी ने कुछ और मशीन लगा लिया, किसको क्या नाम है आपके, पार्टीशन की सहूलत नहीं रही, तो वो 27 के ऊपर चल रहा था। बहर कैफ वो मामला आके दिसंबर में ख़त्म हो गया। वो कोशिश हमारी बराबर चल रही थी। दिसंबर महीने में इनका सर्कुलर निकल गया कि 1 जनवरी से इनकी सब्सिडी बंद हो जाएगी, और उन्होंने बंद कर दिया वो सब्सिडी। हमने हमेशा टेक्सटाइल मिनिस्टर को कहा कि आप रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए, उसको एनर्जी डिपार्टमेंट से ना जोड़िए, सब्सिडी से मत जोड़ो आप इसको,
आप रजिस्ट्रेशन की लड़ाई लड़ो, हम गुनहगार, हमको आप फांसी दे दो। लेकिन जिस दिन आप सब्सिडी से जोड़ोगे, आप इसमें कामयाबी नहीं हासिल करोगे। बहरकैफ वो हमारी लड़ाई लड़ रही थी, किसी तरह से कला मोमिन जी है हमारे साथ में, इन्होंने नाना पटोले साहब तक ये बात पहुंचाई, और उसके बाद जो है एक मीटिंग तिलक भवन में हुई। बाद में उन्होंने कहा कि मैं भिवंडी आता हूँ, भिवंडी आके इस पर चर्चा करके कुछ रास्ता निकलता है तो निकालेंगे, नहीं तो हम इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। भिवंडी की मीटिंग हमारी अच्छी हुई, उनको हमने सभी बातें बता दी। उसके बाद दूसरी मीटिंग हमारी जो है इच्छल करंजी में उन्होंने लिया, और वहाँ ऐलान कर दिया कि जो सब्सिडी आपकी बंद कर की गई है, वो जहाँ से बंद की गई थी वहाँ से दोबारा शुरू कर दी जाए। ये ऑर्डर निकलने के बाद जो है एनर्जी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने एक उसको जो है रोक दिया। चीफ इंजीनियर कमर्शियल से हमारी जो बातें हुई, मैंने उनसे साफ साफ कहा सब्सिडी रोकने का जब हमारा लेटर एनर्जी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का लेटर गया तो आपने फौरी तौर पर उसको लागू कर दिया, लोगों की सब्सिडी रोक दी गई। और 8 फरवरी को जब दूसरा लेटर जाता है कि नहीं इनकी सब्सिडी दोबारा शुरू कर दो, तो आप फाइनेंस की तरफ देख रहे हो। तो ये बातें कहीं ना कहीं बुनकर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 2 दिन का मैं आपको बताता हूँ कि 2 दिन से हम लोग लगातार मुंबई जा रहे हैं और सुबह से शाम तक उसके पीछे हम लगे हुए हैं। हमने एनर्जी मिनिस्टर से, क्या नाम है, अजीत दादा पवार, मैंने इसके पिछले वीडियो में बजट देने का जो काम था 387 करोड़ का बजट, उस सिलसिले में हमारी नाना पटोले साहब से अजीत पवार साहब की बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं कल के कल ये बजट देने का काम करता हूँ। ये कौन सा बजट जो इसमें डेफिसिट था 2020-21 ये 21-22 में जो डेफिसिट था वो बजट देने का उन्होंने काम किया। टेक्सटाइल मिनिस्टर की तरफ से मुझको फ़ोन आया कि अब मामला सब खत्म हो गया है, 27 के नीचे और 27 के ऊपर दोनों की सब्सिडी का मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एनर्जी डिपार्टमेंट जो उसको सब्सिडी हमको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं था। कल जो है जब हमने उसके ऊपर प्रेशराइज किया और जब बिल 11 तारीख को बिल डिस्ट्रीब्यूट हो गए लोगों की विदाउट सब्सिडी के, तब लोगों में जो है बेचैनी पैदा हुई और उसके बाद हमारी बहुत सी बातें हुई और बहुत मैंने बहुत उसमें डीप में गया। यहाँ तक के कुछ बातें मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पार्टी के आला अहदेदारान को मैं कह दिया था कि हमारा पावर लूम रहेगा तो शहर रहेगा और हम लोग रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो है कल जो है हमारी आमदार, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे यहाँ पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रणति शिंदे हैं, उसने बहुत ताकत के साथ क्वेश्चन आवर के बीच में जो है वो विषय नहीं था, उसने खड़े होकर पावर लूम का मसला उठाया और उसने साफ साफ बोला कि एक तो डिस्कनेक्शन बंद किया जाए, इससे मजदूर बेकार हो रहे हैं और पावर लूम मालिकान में बहुत बेचैनी है, पावर लूम मालिकान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसका फैसला आज के आज होना चाहिए। उनके जवाब में अजीत पवार ने कहा कि अगर निधि नहीं पहुंची है, निधि कम गई है, तो एक हफ्ते के अंदर हम निधि देने का काम करेंगे। ये जवाब कोई इत्मीनान बख्श नहीं था। हमारा ताल्लुक सब्सिडी से था, हम आज तक हमको पता नहीं है कि निधि क्या होती है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। काफ़ी हंगामा और बढ़ा तो उसमें यह भी बात आई, एनर्जी मिनिस्टर ने जवाब दिया कि यत्रमाक धारक का जो मसला अभी प्रणति शिंदे ने जो उठाया है, हम बुनकरों की पीड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जवाब भी साफ नहीं था, इत्मीनान बख्श नहीं था। कल जब ये जवाब हमको वहाँ पे बम्बई में मिला तो हमने फौरी तौर पर एनर्जी मिनिस्टर से रابطہ कायम किया, हमने नाना पटोले साहब से रابطہ कायम किया, हमने क्या नाम है एनर्जी मिनिस्टर से तो एक दिन पहले परसों इतवार के दिन मेरे ख्याल में तारिक साहब ने भी फ़ोन लगाया, कहीं से दिया तो कोई शादी में थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं कल हम हल कर दे रहे हैं इसको और लोगों को आप विश्वास देने वाला, मैं ऐसे विश्वास देने वाला नहीं हूँ जब तक मुझको ठोस कोई बात नहीं समझ में आएगी। कल सब लोगों को उसके साथ लेकर हम लोग वहाँ पर मिले और ये असेंबली के स्टेटमेंट में मुझको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ना इस मामले को और बढ़ाना चाहती है। और बुनकर के पावर लूम रोज़ बंद होना शुरू हो गए थे,
रात में तकरीबन 11:30 बजे तक हमारी एनर्जी मिनिस्टर से बैठक हुई और उस बैठक में हमने साफ साफ कहा कि ये पैसे का इशू क्यों आ रहा है यहाँ पर। आज 20 साल में कभी हमको पता नहीं चला कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। ये पहली बात कहीं ना कहीं मुझको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ और साफ साफ बात होना चाहिए इसमें। इसके अलावा मैंने एनर्जी डिपार्टमेंट से ये भी कहा कि आपका स्टेटमेंट भी क्लियर नहीं था। बैठक में ये थे सुरेश टावरे हमारे थे, अला था, ये रुपेश था, जावेद भाई थे, ऐसे सब लोग बैठक में थे वहाँ पर। और हमने कहा कि ये आपका जवाब भी इत्मीनान बख्श नहीं था। अजीत पवार साहब हमारे डिप्टी सीएम, उनका जवाब भी एकदम क्लियर सब्सिडी के ताल्लुक से कब हमको बिल में काट के मिलेगी, जैसा प्रणति शिंदे ने हाउस में पूछा था कि ऑनलाइन बिल की पद्धत बंद करो और ऑफलाइन बिल में सब्सिडी का पैसा काट के बिल देने का काम करो। उसका जवाब कोई किसी ने दिया नहीं और उसके बगैर हम लोग जो है हमको इत्मीनान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं बात सही है, अभी तक हम लोग जो है कोई एक उसके ऊपर नहीं आए। उन्होंने वहीं से बंटी पाटिल हमारे कांग्रेस के मंत्री हैं उनसे बात की, उन्होंने क्या नाम है आपके असलम शेख साहब से बात की टेक्सटाइल मिनिस्टर से, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब से बात की, उन्होंने बाला साहब थोरात साहब कांग्रेस के सीनियर मिनिस्टर हैं उनसे बात की। और ये सब बात होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने उनको एक ड्राफ्ट समझा दिया कि इस तरह से अगर होगा तो हम लोग जो है हमको इत्मीनान होगा और हम भिवंडी शहर में जाकर बोल सकते हैं कि भाई ये सब्सिडी का ये काम अब जो है ये मसला हल हो गया। और वो जो ड्राफ्ट था उन्होंने सुबह उसको असेंबली में किसानों का मामले का किसानों के डिसकनेक्शन के मामले में उन्होंने वो बात वहाँ रखी। उसके साथ ही उन्होंने पावर लूम के ताल्लुक से कहा कि सब्सिडी जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलेगी और सब्सिडी जहाँ से बंद हुई है वहाँ से दोबारा शुरू करने का उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। साथ ही एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने, साथ ही हमने ये भी कल रात में कहा था कि एक बैठक आप इच्छल करंजी वालों की, मालेगांव के, भिवंडी के और जो भी है कंसर्न लोग इनके साथ एक बैठक लेकर इसमें साफ साफ MSDCL को इंस्ट्रक्शन देने का काम होना चाहिए ताकि हम अगले 2 दिन के अंदर हमको जो बिल मिलेगी उसमें सब्सिडी का अमाउंट निकल के मिलेगी। उसमें कई मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, हम लोगों को बुलाया गया था, आपके इच्छल करंजी का एक डेलीगेशन बम्बई में था और उनके साथ आज हमारी बैठक हुई दोपहर में तकरीबन 3 बजे हुई कि ढाई या 3 बजे, 2:30 बजे तकरीबन हमारी बैठक हुई। और उस बैठक में हमने 3 बातें रखी वहाँ पर। पहली बात तो MSDCL जो है फौरी तौर पर एक सर्कुलर निकाल कर, यहाँ टोरेंट कंपनी है मालेगांव में, जो प्राइवेट कंपनी जो भी है, कलकत्ता पावर्स है और जितने सेंटर हैं वहाँ निकाल कर उनको इंस्ट्रक्शन दे देवे कि जो बिल बन चुका है उसको रिवाइज करके सब्सिडी काट के जो रेट बनता है वो रेट से बिल इशू किया जाए। नंबर 2, टोरेंट कंपनी में मैंने जब उनसे बात की थी कि पार्ट पेमेंट ले लो, जितना बिल विदाउट सब्सिडी काटने के बाद जितना बिल बनता है उतने का पार्ट पेमेंट आप लो, उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम पार्ट पेमेंट ले लेते हैं लेकिन सब्सिडी का फैसला हो या नहीं हो दोनों सूरत में जितना अमाउंट बचेगा उस पर हम इंटरेस्ट लेंगे। हमने लोगों के पेमेंट के हिसाब से हमने वो बात मानी थी। मैंने आज मीटिंग में कहा कि हम कोई भी इंटरेस्ट का पैसा हम देंगे नहीं। मिनिस्टर ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि गलत है ये गवर्नमेंट के सही फैसले में देरी की वजह से ये जो इंटरेस्ट लग रहा है तो उनको इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा और प्रिंसिपल बिल जो है वो मिलेगा। कुछ लोगों ने बिल अपना पूरा भर दिया, वो सोच रहे थे कि भर देंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वापस, हमने वो मुद्दा भी रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्होंने बिल भर दिया है सब्सिडी का पैसा भी अगर उन्होंने भर दिया है तो वो उनको जो है अगले बिल में क्रेडिट हो के आएगा। इस ताल्लुक से मैं हमारे ऊर्जा मंत्री आज एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि उन्हें कहीं ना कहीं से उसको उलझाने की कोशिश हो रही थी और हमारे आपस के बीच में ही कहीं ना कहीं इस मसले को उलझाने की कोशिश हो रही थी, उसको उन्होंने आज जो है असेंबली में साफ किया। और हमारे साथ जो मीटिंग हुई जिसमें MSDCL के लोग थे, टोरेंट के लोग थे, आपके जो है दूसरे सेंटर मालेगांव के प्राइवेट कंपनी के लोग थे,
और सबके बीच में हमारे बीच में उन्होंने मीटिंग लेकर उसका मिनट हुआ उसको फाइनल करके उन्होंने उस मीटिंग में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये सरकार का फैसला है और इस तरह से आप लोगों को ये काम करना है। तो मैं नितिन राउत जी का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-3-4 दिन के अंदर सनीचर से लेके पीर तक जितनी बेचैनी हमारे शहर में थी या पूरे पावर लूम के सभी सेंटर पर थी, उस मुद्दे को पीर के दिन, हालांकि पावर लूम सेंटर से तकरीबन 5-6 MLA आते हैं, उस मुद्दे को प्रणति शिंदे ने बहुत ताकत के साथ, वो सब्जेक्ट नहीं हुए थे बीच में खड़े होकर उसने उठाया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, असलम शेख का शुक्रिया, साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ में हमारे साथ पिछले 2-3 दिन में जितने लोग साथ में हमारे रहे, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी तरह से हम लोग अगर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, सब्सिडी हमने 1999-2000 साल में हमने चालू की थी और सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ जो है सब्सिडी का जो मामला है सिर्फ बुनकरों के फ़ायदे के लिए नहीं है, इसके पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हर रोज़ हमारे यहाँ से 100 करोड़ रुपया GST जाता है, अगर सब्सिडी के बारे में कुछ भी अगर इनकी तरफ से ढिलाई होती और हमारे पावर लूम अगर बंद होते तो हर रोज़ सरकार हमको दिन में बहुत देती है तो 50 लाख देती है, 1 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है या 2 करोड़ रोज़ का सब्सिडी देती है, लेकिन हम लोग जो है हर रोज़ 50 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में GST की सूरत में हमारा जाता है, तो इससे सरकार का भी नुकसान था और ये बातें हमने उनके सामने साफ साफ रखी। मिनिस्टर ने एक इंस्ट्रक्शन एक और दिया अपने अधिकारियों को, सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप सर्कुलर निकालना, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी भाषा इस्तेमाल करोगे तो ये लोग वैसे ही परेशान और परेशान होंगे और अधिकारी जो है उसका 2-3 मतलब निकालते हैं। और कांग्रेस के बारे में मैं कहूँगा, कांग्रेस ने हमेशा जब सब्सिडी चालू हुई तब भी कांग्रेस पार्टी ने सब्सिडी चालू की थी, विलासराव देशमुख उस वक्त थे और उस वक्त वो बुनकरों का इतना ख्याल रखते थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि 1 रुपया यूनिट सरकार ने हमको सब्सिडाइज रेट से पावर लूम वालों को दिया था, ये भी किया था जिसका थक बाकी अगर 1 लाख रुपया है तो उसका इंटरेस्ट 15-20 हज़ार निकाल के उसका 70% माफ होगा अगर 30% आप 3 महीने भरोगे, और 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया बाकी वाला जो है, 1 लाख रुपये वाला जो है 15,000 रुपये भर के क्लियर हो गया, 5 लाख रुपये वाला 75,000 रुपया भरने के बाद उसका 5 लाख रुपया माफ़ करने का काम हुआ है। तो ये कांग्रेस जो है हमेशा बुनकरों के साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडस्ट्री चले और कांग्रेस जिस तरह से हमेशा बुनकरों का साथ दिए आगे भी बुनकरों की बका के लिए और बुनकरों की तरक्की के लिए काम करेगी। आप पूछिए, अभी कुछ भिवंडी के अंदर बहुत सारे पावर लूम जो मालिक आ रहे हैं उनका कहना ये है कि अगले अभी ये जो 15 तारीख आ रही है अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलती है तो 15 तारीख के बाद अपने पावर लूम बंद कर देंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 15 तारीख आज है ना, इंशाल्लाह आ जाए इंशाल्लाह आज, इसीलिए हम कल जो ऐलान हुआ ना तो हम लोग चाह रहे थे कि बात 2 दिन में ख़त्म हो जाइए और आज जो है मीटिंग लेके उन्होंने, उस मीटिंग में सब अधिकारी थे और उसमें फैसला हो गया कि अगले कल के कल जो है, और अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि कोई भी पावर कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, आपकी सब्सिडी के रेट से जो भी आपका बिल बनता है उतना बिल, वो अगर आज नहीं आता है, आज भी जो लोग बिल लेने जा रहे हैं तो उनका उस रेट से उसके हिसाब से उसको पैसा लिया जाएगा। रशीद भाई, कभी 27 HP के ऊपर की सब्सिडी कैंसिल होती है, कभी सब्सिडी को जो है होल्ड पे कर दिया जाता है, कभी पावर भी ये जो ऐसे आ रही है, तो ये सब को लेकर जो मामला चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस पार्टी का अहम रोल है क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी आपकी पार्टी के, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी, तो ये सब मामला खत्म क्यों नहीं हो रहे? ख़त्म ही हो रहा है ना, ये आज की जो बैठक है उसने सब मामला को ख़त्म कर दिया है। एक फैसला और हुआ है कि मैंने साफ साफ कहा कि भाई इस मामले को कायम का ख़त्म हो जाना चाहिए। अब पैसे की बात जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई MSDCL कौन होता है ये बोलने वाला कि हमको पैसा आएगा तो हम सब्सिडी ये तो 20-21 साल में कभी नहीं, सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से पैसा जाता है, लेकिन कभी हमने सुना नहीं कि इनको पैसा नहीं गया तो ये काम नहीं हुआ है। तो इस ताल्लुक से हमने साफ साफ कहा है कि एक मीटिंग एनर्जी डिपार्टमेंट और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दोनों की एक ज्वाइंट मीटिंग लेकर
रजिस्ट्रेशन का मामला है, बिजली बिल का मामला है, सब्सिडी का मामला है। सब्सिडी बंद इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल तो रशीद भाई बोलने का मतलब कहना चाहूँगा, लोग पैसे मान लें कि मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने इंटरव्यू में कहा था कि सब्सिडी जो होल्ड पे है वो कंटिन्यू रहेगी, और तो फिर आज आप बोल रहे हो कि कल परसों में जो मामला है सब क्लियर हुआ, तो कल परसों ने हो गया ना फैसला, तो मान लिया जाए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ साफ फैसला हो गया है। MSDCL को सर्कुलर निकालने का इंस्ट्रक्शन हो गया है, टोरेंट कंपनी इतनी कंपनियां हैं उनको या MSDCL को यह गया है कि बिल में आप जो है आप किसी का डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, ये साफ साफ हो गया है। बिल की वजह से ये सब्सिडी के ताल्लुक से जो अगर कोई डिस्कनेक्शन होता है वो आप लोग नहीं करोगे, साफ साफ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। शहर के अंदर देखा जा रहा है तो हर कोई ये कह रहा है कि एक तरफ आमदार कह रहे हैं कि मैंने जाके जो है सब्सिडी कैंसिल कराया, एक तरफ जो है NCP के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जाके सबसे मुलाकात करके जो है हमने सब्सिडी कैंसिल कराया, एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम जो है इनसे मिला और इनसे, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बुनकर है वो बस मतलब इसकी उसकी बातों में आ जा रहे हैं, और ले देके भी देखो तो बिल वही डबल टिबल आ जा रहा है, तो यहाँ पे किस पे यकीन करना है? देखो बुनकर को मालूम है, जितने भी बुनकर हैं ना शहर के, कौन काम करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है, और इंशाअल्लाह ताला बुनकर को हम जो बोल रहे हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि सब्सिडी ख़त्म नहीं हुई है, सब्सिडी सिर्फ होल्ड की गई है एक महीने की, और आज हम इंशाअल्लाह ताला काम करके दे रहे हैं आपको, आज कल में दिख जाएगा इसका रिजल्ट, और बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं मैं उसमें कोई तबसरा नहीं करना चाहता। आपने तो देखा है सब वहाँ, तो कल देखे हो बम्बई असम्बली में भी देखे हैं आप लोग कि बाहर बैनर पकड़ के कुछ लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हाउस में ऐसा ऐसा हम बोले, जब हाउस में सब बोल किए जवाब सुन लिए तो फिर बैनर पकड़ने का क्या मतलब है, तो मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। जैसा कि आपने कहा आज कल में ये मामला हल हो जाएगा, हल हो गया जी, अगर ये नहीं हुआ तो फिर नहीं, कैसे क्यों नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं आप? आपने इंटरव्यू में भी कहा था इससे पहले की होल्ड जो था जो होल्ड पे थी वो कैंसिल हो गई, उसके बाद भी कैंसिल नहीं, उस बात को लगभग एक हफ्ता हो गया, आज आप फिर कह रहे, तो लोग किस पे यकीन करें? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आज मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि उसका फैसला आज मीटिंग लेके उनको हिदायत दे दी गई है, अब लेटर सर्कुलर बनाने में 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन लगेगा, वही बता रहा हूँ मैं, जो भी सर्कुलर निकलेगा ना उसको सर्कुलर MSDCL बनाएगी, MSDL का सर्कुलर बनने के बाद उसमें सेक्रेटरी के पास जाएगा, सेक्रेटरी चेक करेगा, कुछ कम ज्यादा रहेगा वो करके पास सही करेगा, उसके बाद वो जो है मिनिस्टर की सही से बात में जो है सर्कुलर निकलेगा। रशीद भाई एक सवाल और आखिरी, कि लोग जो है लूम मालिक जो है वो क्रेडिट किसको देना चाहिए, मतलब जैसे आप भी हैं, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता, क्रेडिट सेलेक्ट का कोई सवाल नहीं है, मैं बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहूँगा कि बुनकर जो है भिवंडी का ये जानता है कि कौन काम करा सकता है, किसके पास काम कराने की सलाहियत है, वो सब जान रहा है भिवंडी का बुनकर। भाई सरकार ने जो ये रजिस्ट्रेशन का जो मामला लाया था वो इसलिए लाया था कि कहीं ना कहीं जो एक्सेस मीटर है जिसके ऊपर जो डेड मीटर है जिसके ऊपर भी सब्सिडी जा रही है उसके ऊपर कंट्रोल लिया जाए, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने बोला कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दोबारा से ये बातें आ सकती है कि अगर एक्सेस पैसा जा रहा है सब्सिडी का तो उसको रोक लगाने के लिए कल को दोबारा जो है सरकार खड़ी हो सकती है? नहीं, इसमें मुझको नहीं लगता है कि कोई 1.5 मीटर के ऊपर कोई सब्सिडी जा रही है, ऐसा मुझको नहीं लगता है। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हम फॉर्म हैं, 27 के नीचे कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, 27 के ऊपर का भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म कर लेंगे। हमने सरकार से साफ साफ कहा है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से भी, एनर्जी डिपार्टमेंट से भी, कि रजिस्ट्रेशन जो है जो ऑटो लूम लगाते हैं उनके पास पूरी मालूम रहती है, क्रेडिट लिंक पॉलिसी है, जितना बैंक में जब जाता है ये प्रोजेक्ट या अगर सरकार के पास सबमिशन के लिए जाता है अप्रूवल के लिए, तो पूरी मालूम जितनी ये आज मांग रहे हो सब मालूम हमको भरना पड़ता है, तो आप जो है और सरकार से हमने कहा है कि आपको जो मालूम चाहिए, आपको पावर लूम भिवंडी में कितना है या मालेगांव में कितना है, आप टोरेंट कंपनी से मांगिए, वो एक दिन में कंप्यूटर में निकाल के दे देंगे, तो इसकी वजह से हमको ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो काम जो है एंड कर देंगे, और 2023 में नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनने जा रही है और उसमें ये सब मामला इंशाअल्लाह ताला एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी सदस्य हूँ और लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस कमेटी में सब बातें लेकर जो है एक आसान सी बात जो रखकर हम लोग जो है वो मामला सब हल करेंगे। ठीक है।